दोस्तों ये जो आपको दिखाई दे रही है ये मकड़ी है, और ये मकड़ी के ऊपर जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये मकड़ी के बच्चे हैं। इसके ऊपर अभी मैं घर से जब 12 सुबह 3 बजे निकल रहा था तो मैंने इसको देखा, तो मेरे को लगा बड़ा सा कोई जीव है दूसरा। फिर मैंने गौर से देखा तो इसके ऊपर बच्चे चिपके हुए हैं इसके। तो मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। अभी जैसे ये इसके एक बच्चा जो है पीछे, एक दो बच्चे लटक रहे हैं, बाकी पीठ के ऊपर आप देख पा रहे हैं पीठ के ऊपर लदे हुए हैं। तो ये मेरे को बहुत काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। ऐसा मैंने बिच्छुओं के साथ भी देखा है, मादा बिच्छू जो होती है उसके भी जो बच्चे होते हैं पीठ पे लदे हुए होते हैं, और वो उनको जब तक बड़ा नहीं होती है तब तक इसी तरह रखती है। अच्छी बात यह है कि मैंने एक चीज़ और नोट की कि जब ये बच्चे पीछे छूट जाते हैं तो ये अपनी पीठ पर कैसे उसको सेट करती है, ये भी देखने लायक सेट है। कहने का मतलब है कि प्रकृति की सारी चीज़ें बहुत शानदार है, बहुत अलग है। मानव को पता नहीं क्यों लगता है कि उसको स्पेशल बनाया गया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे जीवों को सृष्टिकर्ता ने बहुत ही शानदार तरीके से स्पेशल बनाया है। इसमें आप देख रहे हो कि ये मकड़ी जो है बच्चों को अपनी पीठ पे वापस सवार कर रही है। मैं एक बार और आपको बताऊंगा कि जब ये पूरी सवार कर ले वापस बच्चों को जब हटाता हूँ तो किस तरह से ये सेट करती है। देखिए ये साथ में चल रहे, एक बच्चा थोड़ा अलग से पीछे छूट गया, इसके मतलब पीछे लटक रहा है। तो मैं एक बार और कोशिश करता हूँ, इनको बच्चों को थोड़ा सा अलग करता हूँ। इनको परेशान, इसको परेशान करने का मेरा बिल्कुल उद्देश्य नहीं है, बस एक छोटी सी जानकारी अपने को जो मिलती है या सृष्टि में जो जीवों में इतनी विविधता है उसको नोट करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो देखता हूँ अगर ये बच्चे अलग होते हैं तो नहीं, बच्चे बहुत मजबूती से चिपके हुए हैं। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए, अब ध्यान से देखना, बिल्कुल बच्चे अलग है और मकड़ी अलग है, फिर भी अभी 2-3 बच्चे मकड़ी के ऊपर लगे हुए हैं। मैं चाहता हूँ ये किस तरह से बच्चों को वापस इस पे अपने पीठ पे एडजस्ट करती है, ये देखने लायक होगा। देखो ये अपने बच्चों के पास आ चुकी है और ये कोशिश कर रही है इसको सेट करने की। बिल्कुल बहुत नज़दीक से देखिए आप, अब आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल ये बच्चे बैठे हुए हैं, छोटे छोटे हैं, ज़्यादा मूव नहीं कर रहे हैं। ये देखते हैं वापस किस तरह से आकर के अपने बच्चों को सेट करती है। ये देखिए ये बिल्कुल अपने बच्चों के पास आ चुकी है, ये उस अपने ऊपर सेट कर रही है, बच्चों के आसपास घूम रही है। अभी बच्चों को इसने छोड़ दिया है, वापस आई है, देखता हूँ क्या करते हैं। अभी भी बच्चे शामिल हो रहे हैं, अभी भी ये बच्चों से अलग है, ये इधर घूम रही है दूसरी साइड। ये देखिए आपको, ये यहाँ पर घूम रही है और बच्चे यहाँ पर पड़े हैं, देखते हैं क्या करती है। अब वापस आई है ये अपने बच्चों के पास, वापस ये कुछ सेट कर रही है, अभी भी आगे निकल चुकी है वापस। देखते मुझे जहाँ तक लगता है इसको खुद को सुरक्षित रास्ता या सुरक्षित जगह जब तक नहीं मिल जाती तब तक ये शायद बच्चों को अपने ऊपर सेट नहीं करेगी। अब कोशिश कर रही है सेट करने की। ये देख पा रहे हैं आप, अभी भी दो दो चक्कर लगा रही है, देखते हैं क्या करते हैं। बच्चों के पास बार बार आ रही है, ये फिर अपने बच्चों को ऊपर सेट कर रही है, आप देख पा रहे हैं। ये देखिए प्रकृति ने बहुत ही शानदार स्पेशल क्वालिटी से इसको नवाजा है, पर माँ माँ होती है, ये बहुत बड़ी बात है। इंसानों को या मनुष्य को लगता है कि उनकी माँ ही उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है, पर माँ तो कहीं पर भी हो माँ तो माँ होती है। मैं अपने संदर्भ में इसलिए कह रहा हूँ, पिछले 2 साल से मैंने अपनी माँ को खो दिया है, तो माँ शब्द आते थोड़ा सा भावुक हो जाता हूँ, पर कोई बात नहीं, माँ के बिना धीरे धीरे जीना सीख रहे हैं। मैं 40-45 साल की एज हो चुका है, उसके बावजूद मेरे लिए अगर माँ इतनी इम्पोर्टेंट है तो ये तो बच्चे बहुत छोटे हैं, इनके लिए माँ कितनी इम्पोर्टेंट होगी आप सोच भी नहीं सकते। आप देखते हैं नज़दीक से, बहुत प्यार से देखो, छोटी छोटी मकड़ियाँ जितनी भी आपको दिखाई दे रही है ये अपनी माँ के पेट के ऊपर वापस सवार कर रही है।
अब अगर ये सेट हो जाती है तो मैं कोशिश करूँगा कि इसको वापस जहाँ से मैं लाया था वहाँ वापस छोड़ दूँ। प्रकृति में ज़्यादा छेड़छाड़ करने के मैं बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ। थोड़ी सी जानकारी या नॉलेज के लिए अगर मैं करता हूँ वो भी अपराध की श्रेणी में ही आता है। आप इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते कि भाई ये क्या है, मकड़ी है या छोटा सा जीव है, ये कुछ भी कर ले। मुझे जहाँ तक लगता है एक मकड़ी को इसने छोड़ दिया है, ये वापस आती है लेती है या क्या करते हैं देखने लायक होगा। अभी भी ये देख लीजिए, जब मैंने इसको बाहर से पकड़ा तो बिल्कुल ये इस तरह से इन्होंने सेट कर रखा था, मतलब इस तरह से ये सेट थे बच्चे इसके ऊपर कि आप अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते। एक मकड़ी अलग है और बच्चे अलग है, एक बड़े से जीव की सी शक्ल आ रही थी। पर अब पता चल रहा है कि नहीं, बच्चे अलग है और मकड़ी अलग है। एक दो बच्चे पीछे छोड़ गए हैं तो इसके लिए शायद मैं दोषी हूँ, क्योंकि मैं अगर इसके छेड़छाड़ नहीं करता तो ये बच्चे सब आराम से इसके ऊपर बैठ करके ये अपना काम कर रही होती। चलो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ और जो एक दो बच्चे इसके छूट गए मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको वापस अपनी पीठ पे ले लेगी और अपना काम करेगी। बस ये अपना एक बच्चा ले ले तो फिर मैं कोशिश करूँगा कि इसको वापस अपने नेचुरल वातावरण में छोड़ दूँ। प्रकृति की शादी चिंजे बहुत शानदार है, बहुत शानदार है, बहुत शानदार है। फिर कहना चाहता हूँ कि आदमी को लगता है कि सृष्टिकर्ता ने उसको स्पेशल तरीके से या स्पेशल ताकतों से नवाजा है। मुझे लगता है कि प्रकृति का हर छोटे से छोटा जीव और बड़े से बड़ा जीव, प्रकृति को उसने उतना ही ध्यान से बनाया है जितना कि इंसान को, और उसको हरेक को अपनी एक अलग या स्पेशल ताकत से या अलग क्वालिटी से उसको नवाजा है। तो दोस्तों बस नॉलेज के लिए या जानकारी के लिए अपन इस चीज़ को बना लेते हैं, एक बच्चा है या ये क्या है मेरे को नहीं पता। नहीं हाँ शायद एक बच्चा ही है, उसको अगर ये पीठ में ले लेते हैं तो मैं चाहता हूँ कि फिर इसको छोड़ दूँ, देखता हूँ ये क्या करती है। नहीं अभी बच्चे से दूर भाग रही है, मैं चाहता हूँ कि बच्चा इसकी पीठ के ऊपर सेट हो। ये देखिए बच्चे अपने आप सेट हो रहे हैं कमर। मतलब आपको अगर जब ये पूरा अच्छी तरह सेट हो जाएंगे तब आपको वास्तव में खुद को लगेगा कि ये बड़ा सा जीव है, बच्चों में और माँ में आप फ़र्क ही नहीं कर पाओगे। और सही पूछो तो मैंने भी इस जीव समझ के उसको उठाने की कोशिश की तो बड़ा यूँ स्पंज सा लगा, तो मैंने कहा यार इसका बॉडी इतनी स्पंज या इतनी स्मूथली क्यों है। फिर पता चला गौर से देखने से कि हाँ ये इसके कमर पे छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं इसी के। अब ये अगर एक बच्चा, चलो मेरे को लगता है हाँ अब को एक ये क्या चीज़ है देखता हूँ बच्चा है क्या है। मैं किसी चीज़ से इसको हिलाने की कोशिश करता हूँ। मेरे को नहीं समझ आ रहा ये क्या चीज़ है। अगर बच्चा नहीं है तो फिर मैं इसको फ्री अब इससे मकड़ी को छोड़ देता हूँ। एक बार और अगर जब ये राउंड लगाएगी इसके पास आती है तो देखता हूँ क्या करती है ये। देखिए बिल्कुल आप गौर से देखें, बिल्कुल ये एक जीव की शक्ल अख्तियार कर चुकी है। मतलब ऐसा लगता है दूर से आपको एक जीव है जिसकी बड़ा सा शरीर है, बल्कि ऐसा नहीं है। मकड़ी छोटी सी है बस उसके ऊपर बच्चे बैठे हुए हैं तो ये बड़े शरीर। मेरे इसको लगता है इसे इसको दो फायदे होते हैं, एक तो ये अपने से साइज में बड़ी दिखती है तो सामने वाला जो जीव है वो इसे डर जाता है और इस पर अटैक वगैरह नहीं कर पाता है, और दूसरा बच्चे एनी टाइम इसके साथ रह लेते हैं। तो प्रकृति का तो मुकाबला ही नहीं है। ये बच्चे अभी भी सेट हो रहे हैं, देखिए आप बिल्कुल सेट हो रहे हैं। एक बार अच्छी तरह सेट हो जाए तो मैं इसको वापस बाहर छोड़ना चाहूँगा। अभी भी सेट हो रहे हैं और वाकई बड़ा सेट होने के बाद एक बड़ा सा जीव लग रही है। आप देख रहे हो आगे मुंह दिखाई दे रहा है इसका, थोड़ी चल भी रही है। एक बच्चा इसका अलग से छूट गया, मैं चाहता हूँ वो इसको ले ले अगर शामिल कर ले अपने में तो फिर मेरे को थोड़ा अच्छा लगेगा। ये शायद आगे इसका बच्चा है, इसके पास आते देखता हूँ क्या रिएक्ट करते। अगर कोई रिएक्ट नहीं करती तो मैं वापस बाहर जाके इसको छोड़ दूँगा, क्योंकि ये प्लास्टिक का बर्तन है तो ये इसमें बहुत ज़्यादा चिकना है
इसको क्रॉस नहीं कर पा रही है, जिसके लिए मुझे बाल पेड़ पत्तों पे या कहीं पर छोड़ना पड़ेगा। नहीं है, इसका बच्चा नहीं है वो, ऐसा ही कुछ था। चलिए देखते हैं क्या होता है। अब देखिए दोस्तों, शानदार तरीके से देखिए, बच्चे बिल्कुल इसके सेट हो चुके हैं और बहुत ऊपर तक। देखिए वो क्या स्पीड है इसकी। एक बच्चा फिर पीछे लटक रहा है भैया। तो मेरे को ट्रेन की सी फीलिंग आ रही है, कुछ सवारियां जैसे छूट जाती है या लटक रही होती है, वैसा सा कुछ है। तो मैं इसको ज़्यादा परेशान नहीं करता हूँ, और मेरी ड्यूटी बनती है कि प्रकृति में ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करूँ और इसको बाहर अपनी नेचुरल अवस्था में छोड़ दूँ। देखते हैं, चलिए बाहर चलते हैं, इसको बाहर ले जाते हैं और इसको छोड़ देते हैं। मेरा पेट भी बाहर बैठा है, वो इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचे। खैर मैं उसको समझा दूंगा। देख रहे हैं, ये मैं इसको नीचे मर करके पोर्च पे छोड़ दिया है। जिस हट जा, ये जिस जा रहा है अभी बिल्कुल ही अपने नेचुरल वातावरण में पेड़ों की तरफ जा रहा है। और मुझे खुशी है कि मैंने इसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया। आप देख पा रहे हैं, थोड़ा रात का टाइम है, रोशनी भी थोड़ी कम है, तो मैं ज़्यादा नहीं इसको देख पा रहा हूँ और मैंने इसको रिलीज़ कर दिया। थैंक यू वेरी मच।